जैसे सभी पहियों में हवा का सही दबाव बनाए रखना, ढीली खराब या खस्ता हाल वायरिंग को दुरुस्त करना, हैंड ब्रेक के ठीक रूप से काम करने की जांच करना, हेडलाइट और पार्किंग लाइटों की हालत देखना और समय समय पर उन्हें बदलना, हॉर्न का ठीक से काम करना, आग बुझाने के उपकरणों की नियमित रूप से जांच पड़ताल करें। गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स को हमेशा तैयार रखें। पेट्रोलियम से बने पदार्थों को कैबिन में ना रखें। वाहन के अंदर या आसपास धूम्रपान ना करें। नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। कभी बैटरी से कोई भी सीधा कनेक्शन ना खींचें। मौसम खराब होने की स्थिति में, जैसे तेज बारिश, आंधी तूफान या धुंध की परिस्थितियों में वाहन ना चलाएं। आप अपनी तबीयत खराब होने की स्थिति में वाहन ना चलाएं। वाहन चलाने से पहले पूरी तरह आराम करके थकावट दूर होने के बाद ही गाड़ी चलाएं। कभी अपने खलासी या क्लीनर के बिना वाहन ना चलाएं। खलासी की मदद के बिना वाहन रिवर्स ना करें। वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। ध्यान रहे, आपके कैबिन में किसी बाहरी व्यक्ति को यात्रा ना करने दें। हमेशा कंपनी द्वारा निर्धारित रास्तों का ही इस्तेमाल करें। समय बचाने या भारी यातायात से बचने के लिए शॉर्टकट का उपयोग ना करें। सभी यातायात के नियमों की पूरी जानकारी रखें और उनका सख्ती से पालन करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। बहुत ही जरूरी होने पर वाहन को रास्ते के किनारे लगाएं, इंजन बंद करें और हैंड ब्रेक खींचकर ही मोबाइल फोन का उपयोग करें। इंजन के असाधारण तौर पर गर्म हो जाने पर गाड़ी सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर रोककर इंजन बंद कर दें तथा उसके ठंडे होने का इंतजार करें। गांवों और जंगलों से गुजरते वक्त सड़कों पर घूमते जंगली या आवारा पशुओं के प्रति सद्भाव रखें और उनके जान की परवाह करें। संकरे पुल पर से सामने से आ रहे वाहनों को पहले गुजर जाने दें। सड़कों पर बने गोल घुमावों पर हमेशा बाईं ओर से चलाएं और अपना रास्ता बदलते वक्त इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। इन गोल घुमावों पर घुमाते वक्त हमेशा अपने दाईं ओर से जाने वाले दूसरे वाहनों को रास्ता दें। यदि सामने वाला वाहन आपको रास्ता नहीं दे रहा हो तो जोर जबरदस्ती से या गलत तरीके से ओवरटेक ना करें। अपने और अपने सामने चल रहे किसी भी छोटे बड़े वाहन के बीच हमेशा एक सुरक्षित अंतर रखकर अपना वाहन चलाएं। ध्यान रहे, कभी भी बिजली के तारों के नीचे अपना ट्रक पार्क ना करें। दोस्तों, रात के ठिठुरन भगाने के लिए अपने ट्रक के आसपास कभी भी अलाव ना जलाएं और ना ही किसी दूसरे इंसान को इसकी इजाजत दें। अपनी गाड़ी को हमेशा मेन रोड से परे मजबूत जमीन पर ही पार्क करें और हैंड ब्रेक लगाना कतई ना भूलें। अपनी चुस्त दुरुस्त गाड़ी चलाने के लिए आपका तंदुरुस्त होना जरूरी है। अपनी तंदुरुस्ती के लिए डायबिटीज, रक्तचाप और आंखों की नियमित रूप से जांच कराते रहें। और एक बात, चाहे जो हो, अपना ट्रक तेज रफ्तार से कभी ना चलाएं। कंपनी में आपकी और औरों के जान माल की हिफाजत को ध्यान में रखकर ही स्पीड लिमिट के नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन करें। भलाई इसी में है। यदि तुम में हम सब की हिफाजत के लिए बने कानूनों का पालन करने की चाह नहीं है तो तुम्हें टीटी या बुलेट का ड्राइवर या क्लीनर बनने का कोई हक नहीं। तुम्हें जनता के जान माल से खेलकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं। ध्यान रहे, दुर्घटना से समझदारी लाग भली। अरे भाई, चाचा के बाल ऐसे थोड़ी ना सफेद हो गए, पूरी उम्र चक्के के पीछे गुजारी है, वही तो बोल रही है। सवाल तजुर्बे या सफेदी का नहीं है, बात है हमारे कर्तव्यों की, जो हमारी सेफ्टी के लिए है। भूल गए, ये हमारी बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। और हम क्या करते हैं, दूसरे दिन सब कुछ भूलकर हम अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। सारे नियम कानून ताक पे रखकर हवाई जहाज बने फिरते हैं। क्या मिल जाता है हमें इससे?
किस बात की जल्दी होती है? आखिर एक ना एक दिन वही हाल होता है जो उमेश और रामू का हुआ। इसलिए चलो आज गाड़ी में बैठने से पहले हम एक वादा करते हैं अपने आप से और हमेशा के लिए। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नियमों का पालन करके देश की सड़कें सुरक्षित बनाएंगे, परिवार खुशहाल बनाएंगे।